अरे यार अजीत अगरकर ने क्या कर दिया है ये वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ, क्या कर दिया है। मुझे ये समझ नहीं आती, जो कोई बंदा ये चीफ सिलेक्टर की पोजीशन में पहुंच जाता है, पहले वो हमें बहुत सेंसिबल लगता है, हम रूट करते हैं कि यार ये बंदा आ जाए ये बंदा आ जाए, बट वो फाइनली जब आ जाता है तो वो दिमाग से थोड़ा सा ना, उसका दिमाग थोड़ा भोखला सा जाता है। आई थिंक उसको इंडियन क्रिकेट की प्रेशर लिया नहीं जाता है, एंड यू नो वो अजीब अजीब सी हरकतें करता रहता है। मतलब शार्दुल ठाकुर को स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। ना वो बैटर है, ना वो बॉलर है, ना वो फील्डर है, मतलब वो इतने अनफिट हैं, इतने अजीब से हैं। मतलब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बना बना के ये स्टोरी यू नो एकदम कबाड़ा हो गया है। आप चहल को रख लेते, आप अश्विन को रख लेते, आप किसी प्रॉपर ऑलराउंडर को रख लेते, शार्दुल ठाकुर एक आईपीएल इनिंग, ये पूरे साल में एक आईपीएल इनिंग खेलते हैं, और कभी कभार जैसे इनका तुक्का चल जाता है तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सी विकेट ले लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता इस शार्दुल ठाकुर का इंडियन टीम में कुछ भी और काम है, ना इनसे फील्डिंग होती है, ना इनसे बैटिंग होती है, ना इनसे बॉलिंग होती है। सो ये एक थोड़ा सा सरप्राइज इंक्लूजन हो गया है जो अजीत अगरकर, बीसीसीआई, रोहित शर्मा इन सब ने कर दिया है। सो आई एम प्रीटी डिसअपॉइंटेड। यू गाइज हु आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आप मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि शार्दुल ठाकुर के सरप्राइज इंक्लूजन में आप लोगों का क्या फीडबैक है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए अब फटाफट से स्क्वाड पढ़ देती हूँ। तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा हमारे कैप्टन हैं, रोहित शर्मा रियली हैज़ डन वेल येस्टरडे अगेंस्ट नेपाल, बट द वे ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान इज सीरियसली डिसअपॉइंटिंग। ही लुक्ड एक्चुअली स्केर्ड ऑफ शाहिनशाह अफरीदी एंड द इंटायर पाकिस्तानी क्राउड, फैंस, एवरीबडी इज जस्ट मॉकिंग अस द वे इतना बेवकूफ़ बन गया ये शुभमन गिल और रोहित शर्मा जैसे खेले हैं। सो आई होप रोहित शर्मा वापस जाएं, कोई इंडिया में एक लेफ्ट आर्म पेसर को पकड़ें, कोई भी पकड़ें यार, यश दयाल को पकड़ें, नटराजन को पकड़ें, मोहसिन खान को पकड़ें, इंजर्ड हो ना हो, बट एटलीस्ट ये कुछ कुछ सेशंस सिर्फ डेडिकेटेड टू लेफ्ट आर्म पेसर्स निकालें, ताकि इनका ये जो शाहिनशाह अफरीदी का खौफ बन के बैठ गया है ना और अपनी बेइज्जती करवाई जा रहे हैं, ये चीज थोड़ा हटे, एंड वर्ल्ड कप में इनको ट्रेंट बोल्ट या शाहिनशाह अफरीदी ऐसे ना खा जाएं। सो ही इज़ द कैप्टन, रोहित शर्मा इज़ द कैप्टन, हार्दिक पांड्या इज़ द वाइस कैप्टन। तो आई नो गाइज, मैं हार्दिक पांड्या की बहुत क्रिटिसिज्म करती हूँ, मैं बहुत वीडियोज़ डालती हूँ जिसमें मुझे हार्दिक पांड्या के अजीब हरकतें में बहुत गुस्सा चढ़ता है, बट जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाई प्रेशर में इनिंग्स खेली हैं उससे मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। आई एम वेरी इंडेटेड टू हिम, उन्होंने कंट्री की इज्जत बचा ली है। सो अब उनको वाइस कैप्टन रिटेन करने में आई थिंक आई सपोर्ट दैट आइडिया नाउ, बिकॉज अभी एक रिस्पॉन्सिबल वाइस कैप्टन की हमें ज़रूरत है, एंड हार्दिक पांड्या ने ये प्रूव किया है कि हाई प्रेशर सिचुएशंस में वो एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेल सकते हैं, एंड विकेट्स भी उन्होंने ली थी नेपाल के अगेंस्ट, विकेट्स ली थी, तो बॉलिंग के रिदम में भी वो ठीक लग रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ डिसेंट चॉइस। इसके अलावा हमारे ओपनिंग पोजीशन में आएंगे शुभमन गिल। सो शुभमन गिल पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत नर्वस लगे, ही वॉज गोइंग एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 30, विच इज़ रियली रियली टेरेबल, बट नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने रोहित शर्मा साथ पार्टनरशिप किया, अच्छे शॉट्स मारे, फ्लेयर में लगे, अच्छी बाउंड्रीज मारी। सो वी होप दैट इंडिया में तो वैसे भी शुभमन गिल बहुत चलते हैं, सो वी होप दैट इंडिया में एटलीस्ट उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में अच्छी हो। उसके बाद आते हैं हमारे फेवरेट किंग कोहली, एंड ऑब्वियसली ही वॉज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन, तो ये तो ऐसी एक सिलेक्शन है जिससे मैं आँख बंद करके किसी भी वर्ल्ड कप की टीम में रख लूँगी। तो ऑब्वियसली नो डिस्कशंस अबाउट हिज पोजिशन इन द स्क्वाड और हिज नंबर 3 पोजिशन इन द प्लेइंग 11। आई थिंक कोहली इज going to be one of the players जो इंडिया को वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तक, एटलीस्ट सेमीफाइनल्स तक तो पहुंचाएंगे, एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली मैच डे में, गेम डे में जो होता है, जिसका लक एंड जिसका जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है सेमीफाइनल्स के बाद, वो ही आगे जाता है एंड फाइनल्स में खेलते हैं। सो विराट कोहली इट इज़, एंड देन नंबर 4 इज श्रेयस अय्यर। सो श्रेयस अय्यर इज काइंड ऑफ अ रिस्क, बिकॉज अभी वो इंजरी से वापस आए हैं एंड उनका अभी गेम टाइम उन्हें नहीं मिला है पाकिस्तान के खिलाफ। शुरू में तो उन्होंने अच्छे शॉट्स मारे, लेकिन उसके बाद ही वॉज ही जस्ट फेल फ्लैट एंड वो आउट हो गए, तो गेम टाइम उनका एब्सोल्यूट ज़ीरो है। एंड नेक्स्ट मैच जो इंडिया का है वो पाकिस्तान के साथ ही 10 सितंबर को है, सो
आई होप ही गेट्स सम गेम टाइम देयर एंड ही परफॉर्म्स वेल। इसके बाद मैं आती हूँ हमारे दो विकेट कीपर जो हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, एक ईशान किशन और एक केएल राहुल। सो केएल राहुल अब फिट हो गए हैं, जैसे ही ईशान किशन ने 82 रन्स मारे हैं यू नो पाकिस्तान के अगेंस्ट, सडनली उन्होंने एनसीए में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है एंड ही इज यू नो रेडी एंड फिट टू गो। समहाउ मिराक्युलसली मैजिक हो गया है आई थिंक। सो दूसरा अगर इनिंग्स में परफॉर्म करे, अच्छी इनिंग्स खेले, पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस दे, तो सडनली केएल राहुल की पूरी यू नो पीआर टीम एंड सारा एक्टिव हो जाती है एंड अब वो वापस आ गए हैं। एंड आज की खबर ये भी है कि वो श्रीलंका भी पहुंच गए हैं एशिया कप के लिए एंड मोस्ट लाइकली वो यू नो संडे को पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच होगा उसमें ज़रूर खेलेंगे। सो केएल राहुल इज़ बैक एंड ईशान किशन इज़ ऑल्सो देयर एज अ विकेट कीपर एंड अ बैटर। तो अब ये देखना होगा कि इन दोनों में एक्चुअली वर्ल्ड कप के ज़्यादा परसेंटेज मैचेस किसको मिलेंगे, बिकॉज ईशान किशन हैज़ प्रूव्ड हिज वर्थ एवरी बिट टू हिज पेनी अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबली नंबर 5 जो उनका नंबर एक्चुअली बैटिंग ऑर्डर का नंबर नहीं है, बट फिर भी उस नंबर पे उन्होंने आके बहुत बहुत एक फेस सेविंग मैच सेविंग इनिंग्स खेली थी एंड यू नो टू ड्रॉप हिम नाउ इन द रेस्ट ऑफ द मैचेस ऑफ द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी अ ह्यूज ब्लंडर एंड इट्स गोइंग टू बी यू नो ग्रेटली डीमोटिवेटिंग फॉर द यू नो द यंग चैप। सो आई फील पर्सनली फील दैट ईशान किशन शुड बी परसिस्टेड विद एंड आई थिंक ही कैन डू well for the country and KL Rahul needs to you know actually prove his worth and get into the playing 11 and not be an automatic selection. तो नेक्स्ट हमारे स्क्वाड में है स्काई। तो स्काई इज़ माय फेवरेट यू नो T20I प्लेयर एंड सूर्य कुमार यादव डिजर्व्स टू बी इन द ODI वर्ल्ड कप 2023 स्क्वाड। आई नो बहुत लोग ये अज्यूम करेंगे कि स्काई ODI के अच्छे फॉर्म में नहीं है एंड वो T20 के ही स्पेशलिस्ट हैं एंड यू नो बहुत सारी जितने मुँह होती हैं उतनी बातें होती हैं, लेकिन द थिंग इज़ दैट सूर्य कुमार यादव इज़ अ गेम चेंजर, ही इज़ अ यू नो ही इज़ अ मैच विनर एंड जिस मैचेस में उनको मौके मिलेंगे खेलने के लिए तो उन मैचेस में वो डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे एंड यू नो एक साइडेड इंडिया को मैच जिताने की वो एबिलिटी रखते हैं एंड इतना हाईली स्किल्ड बैट्समैन अगर वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड से बाहर निकाल दिया गया हो एंड वो स्क्वाड में भी नहीं इंक्लूड किया हो देन इट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री। सो आई थिंक अजीत अगरकर एंड BCCI एंड द सिलेक्शन कमिटी they've done a sensible decision to take Surya Kumar Yadav in because सूर्य कुमार यादव की जगह बनती है। ही इज़ एब्सोल्यूटली यू नो फिनोमिनल एज अ बैटर, उनमें बहुत स्किल है। अगर वो इंडिया को 3-4 मैचेस में भी यू नो जल जाएंगे और तो वो मैचेस इंडिया गारंटीड जीत जाएगी। तो आई होप ही गेट्स अ यू नो प्लेस इन द प्लेइंग 11 बिकॉज राहुल एंड अय्यर के वापस आने के बाद सूर्य कुमार यादव का प्लेइंग 11 में इंक्लूजन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। सो यू नो दैट रिमेन्स टू बी सीन बट फॉर नाउ एटलीस्ट ही इज़ इन द 15 मेंबर स्क्वाड एंड दैट इज ग्रेट Great news for the country. उसके बाद हम आते हैं ऑलराउंडर्स पे। तो ऑलराउंडर्स इंडियन BCCI ने सिलेक्शन कमेटी ने 3 रखे हैं ODI यू नो वर्ल्ड कप 2023 के लिए, जो इंडिया का स्क्वाड है उसके लिए। सो जो टॉप के हमारे हैं रविंदर जडेजा, ही इज़ द नंबर 1 ऑलराउंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो ही डेफिनेटली वॉज एन ऑटोमेटिक इंक्लूजन। इंडियन विकेट्स में वो बहुत लीथल हैं एंड वो बैटिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बोलिंग से तो वो करते ही करते हैं। तो रविंदर जडेजा इज़ इन and we are happy about it. And then there is Akshar Patel. So Akshar Patel also does well in spinning wicket conditions. He is a handy bat lower down the order. Agar unko playing 11 mein chance milta hai jahan wickets you know turn kar rahi ho, especially jaise Chennai ki wicket ho gayi ya you know jahan turning wickets di jayengi, wahan agar Akshar Patel ko playing 11 mein agar rakha gaya then he can be really useful with the ball as well as the bat. द थर्ड ऑलराउंडर इज़ जिससे हमने वीडियो स्टार्ट की थी तो वो हैं शार्दुल ठाकुर। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव एनी लॉजिक बिहाइंड दिस इंक्लूजन एंड मुझे बिल्कुल भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि शार्दुल ठाकुर की जगह इस प्लेइंग स्क्वाड में टॉप 15 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द कंट्री, अगर आप 140 करोड़ इंडियंस का हम अपनी कंट्री मानते हैं तो उसमें से अगर हम 15 ऐसे बॉयज चुने
यू नो जो क्रिकेट में एकदम बेस्ट हैं, मैक्स टैलेंटेड है, जिन्हें कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज इन द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑफ द कंट्री. तो उस 15 में आप अगर कोई मुझे ये कहेगा कि शार्दुल ठाकुर इज यू नो अ पार्ट ऑफ द टॉप 15 क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड देन फ्रॉम इंडिया, देन मैं उसके मुंह पे हंस दूंगी, यू नो, एंड आई विल फील दैट यू नो दिस इज अ ह्यूज ह्यूज कोई मेरे पे जोक यू नो डाल रहा है. इट्स अ जोक ऑन द कंट्री, इट्स अ जोक ऑन द पीपल, इट्स अ जोक ऑन द सिलेक्शन कमिटी, इट्स अ जोक ऑन रोहित शर्मा एंड अजीत अगरकर, इट्स अ जोक ऑन BCCI. सो देर इज एब्सोल्यूटली नो लॉजिक, देर इज एब्सोल्यूटली नो रीजन बिहाइंड इंक्लूडिंग शार्दुल ठाकुर इन दिस 15 मेंबर स्क्वाड. और भी आपके ऑलराउंडर्स थे या बॉलर्स थे, अश्विन एक बैटर हैं, एक हैंडी बैटर हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस स्पिनर हैं इंडियन विकेट्स में, ही इज एब्सोल्यूटली डेडली, लेकिन उनको छोड़ के इन्होंने शार्दुल ठाकुर को ले लिया है, जिनको ना बैटिंग का कुछ पता है, ना बॉलिंग का कुछ पता है, ना फिटनेस का कुछ पता है. सो दैट इज यू नो कम्प्लीटली आउटरेजस, इट इज यू नो इट ब्लोज माई माइंड अवे, एंड आई कैन नॉट गिव एनी वैलिड एक्सप्लेनेशन टू माई व्यूअर्स, you know, that why on earth is Shardul Thakur included in this team. शार्दुल ठाकुर के ब्लंडरस डिसीजन, क्रेजी डिसीजन, एकदम नॉनसेंसिकल डिसीजन से अगर हम बोलर्स की तरफ आएँ तो आई थिंक वी हैव सिलेक्टेड द परफेक्ट फोर बोलर्स विच आर सिराज, बुमराह, शमी एंड कुलदीप यादव. सो ऑल फोर अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो स्पिन एंड पेस अटैक, दे आर परफेक्ट. इसमें अगर यू नो मे बी अगर युजवेंद्र चहल या रविचंद्र अश्विन इंक्लूडेड होते देन आई वुड हैव बीन इवन मोर कम्फर्टेबल एंड मोर कॉन्फिडेंट ऑफ दिस टीम. सो अगर शार्दुल ठाकुर की रिप्लेसमेंट में अश्विन या चहल आ जाते, यू नो एक प्रॉपर लेग स्पिनर आ जाते इन टर्म्स ऑफ चहल या अश्विन आ जाते जो इंडियन विकेट्स में डेडली हैं, देन आई थिंक आई वुड हैव गिवन 10/10 ऑन दिस इंडियन स्क्वाड. बट बिकॉज शार्दुल ठाकुर इज देयर इन दिस पर्टिकुलर स्क्वाड, तो मैं इसकी रेटिंग 9/10 दूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन ब्लंडर एंड दैट क्रेजी नॉनसेंसिकल डिसीजन दैट द इंडियन टीम हैज टेकन. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. अब मैंने आपको सारा स्क्वाड बता दिया है. अब नाउ वॉट यू गाइड्स नीड टू डू इज यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, यू नीड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड देन यू ऑल्सो नीड टू गिव इन योर कमेंट्स कि आपको आपका क्या ओपिनियन है कि 50 मेंबर स्क्वाड जो रिलीज हुई है उसमें शार्दुल ठाकुर की जगह बनती है, नहीं बनती है, अश्विन या चहल की जगह बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी. सो आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन गाइज एज टू यू नो डू वी हैव द विनिंग कॉम्बिनेशन दैट यू नो दैट कैन टेक ऑन द वर्ल्ड, कैन टेक ऑन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऐसी बिग बिग कंट्रीज आने वाली हैं, उनके डेडली बॉलर्स आने वाले हैं, और अगर हम शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर को यू नो उनके सामने उतार देंगे तो वो तो उनका ना यू नो ही विल प्रॉब्ली पिस इन हिज पैंट्स और समथिंग. सो यू नो आई वॉन्ट एन ओपिनियन फ्रॉम यू इन कॉमेंट्स एज टू यू नो हिज डिसीजन, शार्दुल ठाकुर's डिसीजन इन पर्टिक्युलर इन द इंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड. उसके अलावा अगर आप और कोई प्लेयर को देखना चाहते थे लाइक अश्विन और चहल या कोई और, तो आप वो भी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर वीडियोज़ ऑन मोर स्क्वाड्स दैट आर गोइंग टू बी रिलीज सून.